द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अधिवेशन में देश भर के उद्योगपतियों का सम्मेलन जाल सभागृह में हुआ, जिसमें दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर के अलावा दक्षिण भारत के उद्योगपतियों ने शिरकत की। द टेक्सटाइल्स एसोसिएशन की मध्य प्रदेश शाखा का अधिवेशन जाल सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, दक्षिण भारत आदि संस्थानों से 250 से अधिक उद्योगपति, टेक्सटाइल्स एक्सपर्ट अधिकारी शामिल हुए। एस के गुप्ता ने इस दौरान विचार रखे। बाइट I just put my thoughts on whatever we have. 10 methods, 5 methods, increasing happiness, methods in capsule and all that sort of thing. So, we can always refer to that. But one thing is very sure, that as per human nature, happiness is... Main jo hai, dono ka sahyog hona chahiye. Both employer and employee, they should work on the same goal. Ye company acha kare, company ko profit ho, or better productivity kare, quality improvement ho. Agar quality improvement hoga, to hamara export bhi badhega. Presently, hamara jaisa abhi garment export, main ek subject de raha hu, which is a part of a textile, the garment export jo hai, वो हमारा कंट्री में पहले से अभी हमारा पोजीशन कम हो गया है। पहले चाइना तो ऑल थ्रू फर्स्ट होता ही है, क्वालिटी एंड हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो अभी जैसा टोटल हमारा अभी जो टोटल हमारा टेक्सटाइल, सब टेक्सटाइल को ले लो आप, एवरीथिंग ले लो, नेचुरल फाइबर ले लो, सेलुलोसिक फाइबर ले लो, मैनमेड फाइबर ले लो, सब ले लो, आज का तारीख में हमारा जो बिजनेस है बहुत डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट लेके इंडिया का जो टर्नओवर टेक्सटाइल का है विच इज $120 बिलियन, उसमें $80 बिलियन डोमेस्टिक है, $40 बिलियन एक्सपोर्ट है। हमारा ये रहा है कि हैप्पीनेस होगी, प्रसन्नता होगी, तो इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन सब आएगा। प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग हैप्पीनेस। कितने लोग शामिल हुए हैं आज? और आज के कार्यक्रम में अराउंड 250 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कुछ लोग लेट आए तो वो अभी हैं, पूरे देश भर से लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कोयम्बटूर से आए हैं, पुणे से आए हैं, नागपुर से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, संसार के, वो भारत के सभी पार्ट से लोग आए और उनका एक इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़ा रुझान रहा। और स्पेशली सीमा श्रीवास्तव, इंडियन मशीनरी की एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं प्रख्यात हिंदी पत्रकार श्री वेद प्रताप जी वैदिक ने भी संदेश दिया। और